हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने आपको आ की मात्रा का ज्ञान करवाया था। आज मैं कुछ अभ्यास करवाऊंगी। तो चलिए आप हिंदी प्रवेशिका निकालें, उसमें पृष्ठ संख्या 13 निकालें, आज का दिनांक लिखें और कक्षा कार्य लिखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। चित्र देखकर आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा, जोड़कर सही शब्द बनाओ। आपको यहाँ पे चित्र को देखना है और उसमें आ की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला चित्र देखते हैं। ये क्या है? नाक। तो यहाँ पर आपको ये क्या लिखा हुआ है? न और क। यहाँ पे आपको क्या करना है? आ की मात्रा को जोड़ना है। तो आप किस व्यंजन के बाद आप आ की मात्रा को जोड़ेंगे? ना के बाद। क्या बन जाएगा ये शब्द? नाक। चलिए दूसरे चित्र पे आइए। ये क्या है? कान। तो कहाँ पे साउंड आ रही है आ की मात्रा की? कौन से व्यंजन के बाद? क के बाद। तो आप कहाँ लगाएंगे आ की मात्रा? का के बाद। तो ये कौन सा शब्द बन गया? कान। चलिए ये चित्र देखिए, ये कौन सा है? नाव। किसके बाद साउंड आ रही है आ की मात्रा की? ना के बाद। तो कहाँ लगेगी आ की मात्रा? ना के बाद। तो ये क्या शब्द बन गया? नाव। चलिए यहाँ पर आइए, ये किसका चित्र बना हुआ है? राजा। यहाँ पे आपको दो व्यंजन दिख रहे होंगे, आपको दोनों व्यंजन के बाद आ की मात्रा लगानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी आप आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या शब्द बन जाएगा? रा। ये क्या है? ज। ज के बाद आ की मात्रा लगाएंगे तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा? राजा। चलिए ये क्या है? तलवार। किसके बाद साउंड आ रही है आ की मात्रा की? तलवार। वा के बाद। तो कहाँ लगेगी आ की मात्रा? वा के बाद। तो ये क्या शब्द बन गया? तलवार। ये क्या है? गाय। किसके बाद आ रही है? गा के बाद। तो कहाँ लगेगी मात्रा? गा के बाद। तो क्या शब्द बन गया ये? गाय। चलिए अब दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, उनको आपको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। पहला आपको करके दिखाया है, पहला चित्र कौन सा है? गाजर। तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही आपको चित्र देखना है और इनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए दूसरा चित्र देखिए। ये क्या है? टमाटर। तो आप कहाँ पे उसका नाम लिखेंगे? यहाँ पे। सही है, तो लिखिए मेरे साथ, टमाटर। टमाटर। चलिए ये लिखिए, ये क्या है? ये कौन सा चित्र है? अखबार। लिखिए अखबार। अखबार। चलिए दूसरे चित्र पे तीसरे चित्र पे आइए। गमला। गमला। ये क्या है? तबला। चलिए तबला। तबला। ये क्या है? क्या है ये, जल्दी बताइए मुझे। चरखा। कैसे लिखेंगे हम? चरखा। चरखा। चलिए ये तो सबको पता होगा, जल्दी बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये क्या है? तारा। तारा। ये क्या है? नाक। क्या है ये? नाक। ये क्या है? बादल। क्या है ये? बादल। बच्चों आपका कार्य बहुत ही सुंदर और साफ होना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।